दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडियन पोस्ट जीडीएस के फॉर्म लाइव किए जा चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। और अगर आप भी इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी वगैरह कैसे क्या आएगी, डिटेल्स को कैसे फिल करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे अपलोड करना है और फॉर्म को कैसे सबमिट करना है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर डेट लिखकर आ रही कितनी तारीख से फॉर्म शुरू हुआ है और कब इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर स्टेट्स वगैरह लिखकर आ रही हैं, आप देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है क्लिक करके अपने स्टेट पर। यहाँ से भी आप डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डिवीजन लगता है उस डिवीजन पर आप क्लिक करेंगे और व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वैकेंसी नजर आ जाएंगे किस जगह पर कितनी क्या वैकेंसी है और कौन सी कैटेगरी में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूआर में जो 12,000 वाली नौकरी है उस पर एक वैकेंसी है और एसटी में 10,000 वाली जो वैकेंसी है उस पर एक पोस्ट है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे आप देख सकते हैं आपके एरिया में कितनी क्या वैकेंसी है, आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से पोस्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे नजदीक का जो पोस्ट ऑफिस है वो ये वाला लगता है, उसमें जनरल में 12,000 वाली नौकरी पर एक वैकेंसी है और मैं जनरल से आता हूँ तो मैं इस वाली वैकेंसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस लगता है उसमें 10,000 वाली पोस्ट पर एक वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि भैया आपको 10,000 वाली नौकरी चाहिए कि 12,000 वाली नौकरी भी चाहिए। 12,000 वाली थोड़ी अच्छी पोस्ट होती है और 10,000 वाली थोड़ी डाउन लेवल की पोस्ट होती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं इससे रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूं कि किस तरीके से आपको पोस्ट वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस से। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, ओटीपी डालने का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है तो आपको ओटीपी डाल देनी है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के वैलिडेट करना है। ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगी, ओटीपी भी आपको डाल के वैलिडेट कर देनी है, मतलब एंटर कर देनी है। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम यानी कि आपका जो नाम 10th की मार्कशीट वगैरह में लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। और सिर्फ नाम ही नहीं दोस्तों, जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है ज्यादातर आपको 10th की मार्कशीट से फिल करनी है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, जेंडर हुआ, जेंडर तो आपको पता ही होगा, और पिताजी माताजी का नाम हुआ, तो मतलब जितनी भी डिटेल है सभी को आपको 10th की मार्कशीट से फिल करना है। अगर मिसमैच आई जाती है वेरिफिकेशन के टाइम पे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो पिताजी का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर या फिर माताजी का नाम डाल सकते हैं, मतलब कोई भी एक नाम आपको डालना है। नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप आते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का ये वाला ऑप्शन है, ओबीसी एससी एसटी सभी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नया होना चाहिए क्योंकि भैया मार्च में एक्सपायर हो जाए, तो आप देख लीजिएगा आपका एक्सपायर तो नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट के आप निवासी हैं वही आपको यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट से रिलेट करता है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा भैया आपने जो 10th क्लास कंप्लीट की है वो किस स्टेट से कंप्लीट की है। जैसे आपने आंध्र प्रदेश से कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर सर्कल अपना आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली से सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर गुजरात सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर और भी कई ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह से आपने 10th क्लास कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए भैया आपने किस राज्य से अपनी 10th क्लास कंप्लीट की है। जैसे मैंने मध्य प्रदेश कंप्लीट किया तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश ही सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपने 10th क्लास कब कंप्लीट की है, तो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाते हैं भैया, कोई लोग 12th सेलेक्ट कर देते हैं, कई लोग 8th की यहाँ पर पासिंग ईयर भर देते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 10th की पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों आपने भले ही ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखी है, आपको यहाँ पर 10th की पासिंग ईयर ही सेलेक्ट करनी है। नीचे आपको ये कैप्चा जो नजर आ रहा है इसको इस वाले बॉक्स में डाल देना है और सबमिट कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन नजर आएगा कुछ इस तरीके। जैसे कि यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ईमेल आईडी की ओटीपी डालने के लिए बॉक्स आ गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी की ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना है। सेम उसी तरीके से आपको ऊपर मोबाइल वाली ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना है। अगर ओटीपी सही होगी तो इस तरीके से लिखकर आने लगेगा आपकी वैलिडेट हो चुकी है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोस्तों कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ मैं ओटीपी के लिए यूज करता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी भले ही आप स्मॉल में लिखें दोस्तों, कैपिटल में ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगी, तो उससे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि ऑटोमेटिक कैपिटल में कर देता है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लिखकर आने लगेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन, तो आपको ओके कर देना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको कुछ और डिटेल्स वगैरह फिल करने के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी जिसमें आप चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे इनमें कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आप सिंपली अभी भी रजिस्ट्रेशन को हटा सकते हैं और दोबारा से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है जो कि कंपलसरी नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है
स्टार वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, विकलांग वगैरह तो नहीं है, अगर हैं तो आप इसमें यस करेंगे, आगे के ऑप्शन आपके लिए खुलकर आ जाएंगे, कौन सी कैटेगरी आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपनी डिसेबिलिटी की टाइप, जैसे कि मैं ए कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लो विजन वाला आ रहा है, मैं बी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ तो ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सेकेंडरी स्कूल में अपनी लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करनी है, और वो भी मार्कशीट के हिसाब से। जैसे ही मैंने मध्य प्रदेश से अपनी 10th क्लास कंप्लीट की है तो 10th क्लास में जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश भी था और हिंदी भी था, तो आपको ये देख लेना भैया आपकी 10th की मार्कशीट में कौन कौन सी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं। सिर्फ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं। आप जिसने गुजरात से कंप्लीट की अपनी 10th क्लास तो उसमें इंग्लिश भी होगा, हो सकता है हिंदी भी हो, और गुजराती तो कंपलसरी होगा ही 10th क्लास में। उसी के हिसाब से आगे की पोस्टें आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन नजर आते हैं। इसमें लोग गलती कर देते हैं कई बार, पुरानी वैकेंसी में मेरे पास कमेंट आते थे भैया मैंने यहाँ पर एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट किया, अब दूसरी लैंग्वेज का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने में ओके कर देता हूँ। इसके बाद पूछ रहा है भैया आप एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर आप इसमें यस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, नीचे सिग्नेचर अपलोड करने, इसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, जिसको देखने के बाद आप मोबाइल से भी ये दोनों चीजों को अपलोड कर पाएंगे, जो कि इस वीडियो में आखिरी में लगा दूंगा ताकि ये वाली वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाली वीडियो पहले पूरा देख लीजिए ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए या फिर फोटो साइन अपलोड करने के लिए आप उस वाली वीडियो पर जा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आया मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं, इसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। और अब आपके सामने यहाँ पर सभी डिटेल्स वगैरह चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा, अच्छे से डिटेल को चेक कर लीजिए, अगर कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है और सबमिट कर देना है। अगर कोई मिस्टेक है तो आपको कैंसिल कर देना है और फॉर्म को हटा के दोबारा से आप फॉर्म को यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर आ जाए, जिसको आपको कॉपी कर लेना है या इसकी फोटो क्लिक कर लेना है। वैसे तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, लेकिन कभी कभार आता नहीं है तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना आप। इसके बाद दोस्तों आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मध्य प्रदेश से फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश की पोस्टों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एमपी सेलेक्ट कर लूंगा और सबमिट कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि भैया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई होगी, आपको ओके कर देना है और यहाँ पर ओटीपी डालने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो आप चाहे तो कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि भैया कम्युनिकेशन एड्रेस से आपका परमानेंट एड्रेस भी कॉपी होकर ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये भी बता दें किस तरीके से आपको एड्रेस फिल करना है। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं अपना एड्रेस यहाँ पर भर देंगे, वही सेम टू सेम यहाँ पर भर देंगे, तो वो गलत हो जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भैया डोर हाउस नंबर अपार्टमेंट नंबर कोई है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है तो आप इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। अगर कोई नंबर वगैरह नहीं है आपके एड्रेस वगैरह में तो आप सिंपली आधा एड्रेस इस वाले ऑप्शन में भर दीजिए, आधा एड्रेस इस वाले ऑप्शन में भर दीजिए। वो जरूरी नहीं रहता भैया इसमें आप स्ट्रीट डालें कि पूरे मोहल्ले का नाम डालें। जैसे ही यहाँ पर मैंने एड्रेस फिल किया है, यहाँ पर मैंने मतलब कुछ भी आधा भर दिया एड्रेस, इसके बाद मेरे स्ट्रीट वगैरह कुछ थी नहीं तो मैंने ग्वालियर डाल दिया, सभी में सिटी भी ग्वालियर लग रही थी, पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी ग्वालियर लग रही थी, वो मैंने सभी में ग्वालियर डाल दिया और पिनकोड यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो सभी ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगे, आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग पूरा भर लीजिए। इसके बाद मध्य प्रदेश से मैंने 10th क्लास कंप्लीट की है और 2020 में कंप्लीट की है, ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया। यहाँ पर मुझे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कौन से बोर्ड से मैंने 10th क्लास कंप्लीट की है। अब यहाँ पर एमपी के सभी ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि मैंने ऊपर एमपी सेलेक्ट कर लिया था पहले ही। अब इसमें देख लेना भैया आपका कौन सा लगता है। अब इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं जैसे कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट हमारे एमपी में चलता है तो वो वाला आप देख लीजिए, आपने उससे तो कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपने कोरोना में कंप्लीट किया है तो यार 2020 वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें 300 नंबर का पेपर था या फिर 400 नंबर का पेपर था, वो आपको देख लेना कौन सा वाला आपका था। अगर आपने ग्रेस वगैरह से कंप्लीट किया है तो यहाँ पर ग्रेस वाले भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ग्रांड टोटल आपको यहाँ पर बगल में देखने के लिए मिल जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने स्टेट्स के हिसाब से देख लेना, नहीं तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेरे यहाँ पर एमपी में ग्रांड टोटल जो था वो 600 नंबर का था और कोई भी कोरोना वगैरह मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट टाइप वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आपको मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मार्क्स ग्रेड और पॉइंट्स वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे में ग्रेडिंग वगैरह था सीबीएसई में तो मैं यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और यहाँ पर A1 में से आपके कितनी ग्रेड बनी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मार्कशीट में देखकर। अगर आपके में पॉइंट्स वगैरह थे तो आप पॉइंट्स वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 में से आपको पॉइंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे किसमें कितने नंबर वगैरह आए हैं। अब यहाँ पर मुझे एक ही करके अपने सब्जेक्ट देख लेने, सोशल साइंस में मेरे 100 में से कितने नंबर आए हैं आपको यहाँ पर फिल कर देना है जो भी मार्कशीट में डले हों। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आप इनमें से देख लीजिए कौन सा आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है। एमपी बोर्ड में कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया स्पेशल वाली है कि जनरल वाली, तो आपको देख लेना भैया आपकी मार्कशीट में जनरल इंग्लिश दे रखी है कि स्पेशल इंग्लिश दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सभी मार्क्स को फिल करने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जाता है सीजीपीए स्कोर क्या है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है अगर आपकी मार्कशीट में सीजीपीए स्कोर वगैरह नहीं दे रखा है। अगर मार्कशीट में दे रखा है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। आगे आपको डिवीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस डिवीजन में ज्यादा वैकेंसी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपने नजदीकी डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, चाहे कोई भी डिवीजन आप सेलेक्ट करिए, लेकिन डिवीजन यहाँ पर जितने आ रहे हैं इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ग्वालियर डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे नजदीकी पड़ता है। अब दोस्तों आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के नाम देखने के लिए मिलेंगे सभी, और इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल देखने के लिए मिलेगी। जैसे इस वाली पोस्ट ऑफिस में जनरल की वैकेंसी है वो भी 12,000 वाली पोस्ट पर, और उसमें आपकी लैंग्वेज हिंदी मांगी जाती है, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था हिंदी है और इंग्लिश है आपकी मार्कशीट में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्टें नजर आएंगी। इसके बाद दोस्तों एसआर में जो वैकेंसी है वो 10,000 वाली पोस्ट पर वैकेंसी है, लेकिन एससी कैटेगरी में वैकेंसी है, और इस वाली जगह पर दो तरह की वैकेंसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो जगह एक ही नाम लिखा हुआ है, इसमें 10,000 वाली वैकेंसी है और 12,000 वाली वैकेंसी है, और दोनों जनरल की वैकेंसी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मुझे इस जगह की वैकेंसी सेलेक्ट करनी है पहले नंबर पे, वो भी 12,000 वाली, तो मैं यहाँ पर 1 डाल दूंगा, और इसके बाद मुझे चाहिए कि भैया 12,000 वाली ये वाली वैकेंसी हो लेकिन मैं 10,000 वाली नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद मैं 12,000 वाली ये वाली वैकेंसी चाहता हूँ तो मैं इसको 3 डाल दूंगा और इसको 4 डाल दूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भैया आगे भी 12,000 वाली जो वैकेंसी है उनको मैं आगे भी सेलेक्ट कर लूँ, जैसे कि इसके पेज पर तो कोई 12,000 वाली नहीं बची है, तो मैं दूसरा पेज देख लेता हूँ भैया दूसरे पेज पर कोई 12,000 वाली वैकेंसी होगी, भले ही मेरे एरिया से थोड़ी बहुत दूर हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दूर भी हो वो भी चल जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए 12,000 वाली वैकेंसी सबसे पहले नंबर पर, यानी कि मेरी मार्कशीट में जो परसेंट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे यही प्रेफरेंस मिले। तो अगले पेज पर जैसे ही 12,000 वाली ये वाली वैकेंसी आ रही तो मैं 5वें नंबर पर इसको कर दूंगा, 6ठे नंबर पर इसको कर देता हूँ। इसी तरीके से आप भी देख सकते हैं भैया आपको कौन सी वैकेंसी पहले चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसी हिसाब से नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं। अब मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 नंबर तक जितनी भी 12,000 वाली वैकेंसी थी सभी लगा दी है मैंने। अब बचती है 10,000 वाली वैकेंसी, तो मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे एरिया में जो 10,000 वाली वैकेंसी है वो पहले नंबर पर रहे, तो 43 नंबर तक तो 12,000 वाली वैकेंसी आ गई थी, तो मैं 44 नंबर वहां पर सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा एरिया लगता है, इसमें 10,000 वाली ये वैकेंसी है, इसको मैं 44 नंबर पर कर सकता हूँ। ये नंबर अलग अलग स्टेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्म एससी कैटेगरी के लिए फिल किया था, तो वो जनरल वाली जगहों पर भी जा सकते हैं और एससी वाली जगहें तो उनको मिलेंगी, तो अगर उनके नंबर अच्छे आते हैं तो वो जनरल वाली जगहों पर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों तरीके की पोस्टें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, एससी वाला भी आ जाता है और जनरल वाला भी आ जाता है, लेकिन अगर आप जनरल के निवासी हैं तो आपको सिर्फ जनरल वाली पोस्टें दिखाई जाएंगी। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप चाहे तो जनरल में भी आ सकते हैं और ओबीसी में भी आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप एसटी में आते हैं तो एसटी वाली जगह तो आपके सामने आएंगी, साथ में जनरल वाली भी आ जाएंगी, तो आप चाहे तो जनरल वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एसटी वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर आगे सब सेलेक्ट कर लेता हूँ बची भाई। जब दोस्तों आपकी सभी पोस्टें टिक लग जाएं, जिसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर दोबारा से डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। अगर पहले से सेलेक्ट होकर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार आप यहाँ पर डिवीजन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है ओल्डेस्ट डिवीजन ही सेलेक्ट होकर आ रहा हो, तो आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है वापस से जो आपने ऊपर डिवीजन सेलेक्ट किया वही वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है और 7 प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अगर आपके सामने कोई एरर वगैरह दे रहा है तो समझ जाइए कि आपने जो पोस्टें हैं उसमें हो सकता है एक ही नंबर दोबारा सेलेक्ट कर दिया है या फिर बीच में कोई नंबर वगैरह आपने छोड़ दिया है, तो आपको दोबारा से सभी पोस्टें चेक कर लेनी है कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं होगी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करने में। हो सकता है आपने कोई नंबर दोबारा से डाल दिया हो या फिर बीच में कोई कहीं गैप कर दिया हो, तो वो आपको चेक कर लेना है, उसमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समस्या या फिर टाइम वगैरह ज्यादा लग जाए। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखकर आ जाएगा एक पॉपअप, प्लीज पे द फीस टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर आप जनरल कैटेगरी में होंगे। अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके सामने फीस कटवाने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। अगर आपके सामने ये वाला पॉपअप आया आपको सिंपली ओके कर देना है, और यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप और आएगा कि भैया एक बार जो आप फीस कटवा देंगे वो रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। पेज को थोड़ा बहुत लोडिंग होने में टाइम लग सकता है, जब आपकी एक बार सभी डिटेल्स वगैरह देखने लगे तो आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे इस वाले पेज पर, यहाँ पर आपके सामने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड,
QR कोड, वॉलेट, UPI वगैरह काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप चाहे तो किसी से भी पेमेंट कटवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी फीस वगैरह पेमेंट ना फंसे तो आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। आप QR कोड से भी पेमेंट कटवा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भीम UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप चाहे तो UPI वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करके यहाँ पर भी शो QR वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करिए तो आपकी फीस पेंडिंग में नहीं जाएगी। अगर आप सेम मोबाइल से QR कोड का स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, आप UPI की रिक्वेस्ट भेजते हैं फोन पे, गूगल पे या फिर किसी ऐप पर भी, और इस पेज को मिनिमाइज करके आप उस ऐप पर जा रहे हैं और पेमेंट करके दोबारा से आ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी फीस पेंडिंग में चली जाए या फिर पेमेंट अटक जाए। क्योंकि जब आप पेज को मिनिमाइज कर देते हैं तो वो सही से लोड नहीं हो पाता या फिर पेमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर आप रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं तो दूसरे मोबाइल पर रिक्वेस्ट सेंड करिए। आप चाहे तो दूसरे मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि ये वाला पेज ना हटे, और आपकी जैसी पेमेंट कंफर्म होगी ये वाला पेज ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपकी पेमेंट डिटेक्ट कर लेगा और आपको बोल देगा भैया आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, सबमिट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर डायरेक्ट प्रिंट आउट नहीं आती तो आप सिंपली इस वाले पेज पर वापस से आ सकते हैं और प्रिंट आउट को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और कैप्चा डाल के नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने आपके पूरे फॉर्म की प्रिंट आउट आ जाएगी, सिंपली आप चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो भैया इस तरीके से आपको अपने फॉर्म को फिल करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था, अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप चाहे तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप SC ST EWS या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बता रखा है मैंने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स स्पेशल लेकर जाने, नहीं तो आगे की भर्ती में आपको निकाल दिया जाएगा।